Terima kasih telah menonton! नाज़रीन आदाब मेरा नाम जावेद हसन है और ये जो लेक्चर में पेश कर रहा हूँ उसमें डॉक्टर उमर रज़ा साहब जिनका ताल्लुक शोब उर्दू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से है उन्होंने लिखा है मौजू है फोर्ट विलियम कॉलेज की इलमी और अदबी खिदम्त अज़ीज़लबा तलबात उर्दू ज़बान व अदब के फरोग में जिन अहम तली नुमा किरदार अदा किया उनमें फोर्ट विलियम कॉलेज की बेपनाह अहमियत है इसलिए इसकी इलमी और अदबी ख़दमां से वाकिफ होना उर्दू के तलब इलमों के लिए बेहद ज़रूरी है आज हम इसी पर गुफगू करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि फोर्ट विलियम कॉलेज के क़्याम का बुनियादी मकसद क्या था शुबः हिंदुस्तानी के सरबराह की हैसियत से गिलक्रिस्ट ने उर्दू ज़बान के फ़रोग के लिए किस किस तरह के कारनामे अंजाम दिए दीगर हिंदुस्तानी अदीबों ने उर्दू अदब के फ़र के लिए इस कॉलेज के तहत किस किस तरह की किताबों के तर्जुमे किए और फोर्ट विलियम कॉलेज से उर्दू ज़बान व अदब को किस नोयत का फ़ायदा पहुँचा अजीज़ तलबा वालबात सत्रह सौ सात में औरंगज़ेब की वफात के बाद मुगलिया सल्तनत लड़खड़ाने लगी थी बारह बरस के अरसे में तीन बादशाह तख्त नशी और माजूल हुए मोहम्मद शाह के अहद यानी 1719 से 1748 के दौरान नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के हमले हुए मरहटों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया अवध बंगाल और दक्कन के सूबे आज़ाद हो गए थे इस सूरत हाल से अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया था कंपनी का एक मामूली क्लर्क क्लाइव जो 1744 में मुलाजिम होकर हिंदुस्तान आया था ग़ैरमूली दिमाग का आदमी निकला मुग़ल शहनशाह शाह आलम को बहुत जल्द इस बात पर आमादा कर लिया कि उन्होंने बंगाल और बिहार की मालगुजारी वसूल करने का इख्तियार ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया कंपनी का बढ़ता हुआ अकतदार देखकर इंग्लैंड की हुकूमत ने कंपनी की बरह निगरानी शुरू कर दी थी और सत्रह में इसके मतलब उसने एक कानून भी बना दिया जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं बंगाल को पाया तख्त मुकर किया और वारन हेस्टिंग्स को इसका पहला गवर्नर जनरल बनाया गया इसकी मदद के लिए एक कौंसिल भी बनाई गई कलकत्ता में हाई कोर्ट कायम हुई और तमाम अंग्रेज़ी मकबूजात का हाकिम आला गवर्नर जनरल हो गया इसके मातहत तीन प्रसीडेंसियाँ थीं बंगाल प्रेसिडेंसी अगरचे बंगाल पर अंग्रेज़ों का असर शुरू ही से था लेकिन सत्रह में जंग पलासी के बाद तकरीबन तमाम बंगाल अंग्रेज़ों के ज़ेर असर आ गया था किला फोर्ट विलियम की बुनियाद तो पहले ही पड़ गई थी लेकिन सत्रह में इसकी तामीर का काम शुरू हुआ और सत्रह में मुकम्मल हो गया था मद्रास प्रेसिडेंसी पर अंग्रेज़ों का असर बंगाल से बहुत पहले यानी 1640 में शुरू हो गया था और वहाँ उन लोगों ने किले की बुनियाद भी डाल दी थी नवाब कर्नाटक और निज़ाम हैदराबाद की रियासतों के कुछ अजला को इनमें इन लोगों ने शामिल कर लिया था लेकिन 4 मई 1799 को अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान को शहीद करके टिपू सुल्तान की सल्तनत मैसूर को भी शामिल कर लिया और इस प्रेसिडेंसी को मजीद वसत दी थी बंबई प्रेसिडेंसी सोलह में बंबई कंपनी की मिल्कियत में शामिल हो गया था लेकिन पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स दूसरे गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्जली और फिर जब वारेन हेस्टिंग्स तीसरे गवर्नर जनरल बने तो मराठों से जंग करके उन्हें शिकस्त देकर उनका बहुत सा मिल्क बंबई के अहाते में शामिल कर लिया बाद अजा सिंध भी इसी खत्ते में शामिल हो गया था इस तरह हम देखते हैं कि 18वीं सदी के अखीर तक ईस्ट इंडिया कंपनी तकरीबन पूरे हिंदुस्तान पर काबिज हो गई थी उस जमाने में उर्दू चूंकि एक रबते की जबान के तौर पर उभर चुकी थी इसलिए अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान के इंतज़ाम को बेहतर तौर पर चलाने के लिए उर्दू जैसी मुल्क जबान को सीखने पर अपनी तवज्जो सर्फ करनी शुरू कर दी थी अजीज तलबा वालबात सत्रह सौ अट्ठानवे में जब लॉर्ड वेल्जली का तकर ईस्ट इंडिया कंपनी के दूसरे गवर्नर जनरल की हैसियत से हुआ तो उसने कंपनी के इंतजामी अमूर में जबान की रुकावट को शिदत से महसूस किया कंपनी के मुलाजमन के लिए उसने जहाँ साइंस और अदब की तालीम को जरूरी करार दिया वहीं हिंदुस्तान की तारीख जबानों रस्मों रिवाजों और अखलाक अदास से भी वाकफियत को लाजमी बनाने पर गौर किया इसके लिए उसने एक ऐसे कॉलेज के क़्याम पर जोर दिया जिसमें मजकूर मौजूद पढ़ाए जा सकें हिंदुस्तानी ज़बान की अहमियत को समझते हुए गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्जली ने 3 जनवरी सत्रह सौ निन्यानवे के एक नोटिफिकेशन में सरकारी अफसरान की अहलीत के लिए मकामी जबानों की वाकफियत को लाजमी करार दिया और जूनियर सिविल मुलाजमीन को यह हुक्म दिया कि वह फरवरी सत्रह सौ निन्यानवे से गिली और सेमिनारी के हिंदुस्तानी दर्स में शिरकत करें इसी कस्म के ताली इदारे का ख्वाब वारन हेस्टिंग ने भी देखा था लिहाजा टीपू सुल्तान की शिकस्त शहादत के चौदह महीने बाद दस जुलाई अठारह सौ को वेल्जली ने कलकत्ते में फोर्ट विलियम कॉलेज की बाजाबत दाग डाली ये दीगर बात है कि गवर्नर जनरल की कौंसिल ने कॉलेज के जवाबित का मसविदा मंजूर करके कॉलेज के वजूद को कानूनी शक्ल देने के लिए जो दस्तावेज़ पेश की उसमें 4 मई 1800 की तारीख डाली गई क्योंकि मैसूर के दारोसल्तनत श्रृंगापट्टनम में बरतानवी अफवाज की फैसल कन फतह की ये पहली तारीख थी कॉलेज का अफ्त तो हो गया लेकिन दरस तदरीस का बाकायदा आगाज फरवरी 1801 को हुआ पादरी डेविड ब्राउन कॉलेज के प्रिंसिपल मुकर हुए और पादरी बुखानन वाइस प्रिंसिपल जॉर्ज बार्लो एंड मानस्टन और क्रिक पैट्रिक इस कॉलेज के मेम्बर बनाए गए अजीज़ तलबा तलबात फोर्ट विलियम कॉलेज में अरबी फारसी संस्कृत हिंदुस्तानी बंगला तेलंगी मराठी और तमिल जबानें पढ़ाई जाती थीं अलावा जी इस्लामी फ़िकर हिंदू धर्म शास्त्र इल्म अखलाक, इल्म क़ानून और कवानी अकवाम जैसे मौजूद को भी पढ़ाने का मनसूबा था मजकूर ज़बानों में हिंदुस्तानी ज़बान की बेपनाह अहमियत है क्योंकि जिसे आज हम उर्दू कहते हैं उस जमाने में उसे हिंदुस्तानी कहा जाता था और इसके फरोग में जान बार्तविक गलक्रिस्ट का ज़बरदस्त रोल रहा है जान बार्तविक गिलक्रिस्ट सत्रह में असिस्टेंट सर्जन की हैसियत से ईस्ट इंडिया कंपनी में मुलाजिम होकर हिंदुस्तान आया और अपनी कोशिशों से उसने बहुत जल्द उर्दू ज़बान सीख ली थी दिन रात की मेहनत से सत्रह में उसने अंग्रेज़ी हिंदुस्तानी लगत तैयार की दो साल के बाद गिलक्रिस्ट की दूसरी किताब हिंदुस्तानी ज़बान के कवायद शाया हुई और इसके बाद जमीमा हिंदुस्तानी लेसानियात मंजर आम पर आई इन किताबों की अशात से गिलक्रिस्ट को हिंदुस्तानी ज़बान के माहिर की हैसियत से जाना जाने लगा और वेल्जली की ईमा पर गिलक्रिस्ट ने अंग्रेज़ मलाजमीन को हिंदुस्तानी ज़बान सिखाने के लिए सत्रह सौ निन्यानवे में एक मदरसा कायम किया जिसका नाम औरटल सेमिनारी था गिलक्रिस्ट का यह मदरसा फोर्ट विलियम कॉलेज का इब्तदाई मॉडल साबित हुआ और जब फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम अमल में आया तो विल्जली ने 18 सितंबर 1800 को गिलक्रिस्ट को हिंदुस्तानी ज़बान का प्रोफेसर मुकर कर दिया 15 नवंबर 1800 से हिंदुस्तानी ज़बान के लेक्चर शुरू हो गए और इस तरह फोर्ट विलियम कॉलेज के जेरहतम उर्दू ज़बान की तरवीज अशात का सिलसिला चल पड़ा गिलक्रिस्ट ने जो किताबें लिखी उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है लेकिन उनमें अंग्रेज़ी हिंदुस्तानी डिक्शनरी सत्रह हिंदुस्तानी ग्रामर सत्रह ओरिएंटल लिंग्विस्ट सत्रह सौ अट्ठानवे कशिश मशरक़ी अट्ठारह सौ तीन रहन ज़बान उर्दू अट्ठारह सौ चार कवायद उर्दू और अंग्रेज़ी बोल चाल अट्ठारह सौ बीस को बेपना अहमियत हासिल है ये वो किताबें हैं जिनसे उर्दू अदब के फ़रोग में दूनी रात चौगनी तरक्की होने लगी थी अजीज तलबा वालबात फोर्ट विलियम कॉलेज को कायम करने का मक़द चूँकि अंग्रेज़ अफसरान को हिंदुस्तानी ज़बान व माशरत से आगाह करना था इसलिए उर्दू की आसान और आम फहम नसरी किताबों की ज़रूरत महसूस हुई जो किताबें दस्याब थीं वो फ़ारसी इंशा के रंग में थीं या ऐसी थीं जो ज़बान के अतबार से तदरीस के लायक नहीं थीं। उस ज़माने में उर्दू की एक किताब भी ऐसी न थी जिसको फोर्ट विलियम कॉलेज के निसाब में शामिल किया जाता मतबूा किताब का तो उससे पहले इम्कान ही न था कलमी किताबों में फजली की करबल कथा और शाह साहबान दहलवी के तराज़ी में कुरान और मजहबी किताबें थीं तहसीन की नोतरज़ मरसा मुश्किल और अदक थी चुनानचे शोबे में ऐसी किताबों की ज़रूरत महसूस हुई जिनमें रोज़मर्रा मुहावरे सलासत और इजहार की सादगी को मलहू खातिर रखा गया हो यह काम तनहा गिलक्रिस्ट के बस का ना था इसके लिए उर्दू ज़बान व अदब के माहरीन के एक पूरे शोबे की ज़रूरत महसूस की गई चुनानचे आसान सलीस और मफहम के अतबार से काबिल फ़हम उर्दू की नसरी किताबें तैयार कराने के लिए इश्तार जारी किया गया और बहुत जल्द कलकत्ते के फोर्ट विलियम कॉलेज में मुल्क के ऐसे ऐसे अहल क़लम जमा हो गए जो किताबें लिखने और तर्जुमा करने की भरपूर सलाहियत रखते थे यूँ तो बड़ी तादाद में मुशनफिन और मुतरजमीन का तकरर हुआ जिनके ज़रिए मुख्तलिफ मुख्तलफ़ल फ़नून की किताबें वजूद में आईं लेकिन उनमें मीर अमन हैदर बख्श हैदरी मीर शेर अली अफसोस बहादुर हुसैनी मजहर अली खां विला मिर्जा काजिम अली जवान निहाल चंद लाहौरी और लल्लू लाल जी वगैरह खसूसियत से काबिल ज़िक्र हैं मजकूर तमाम लोगों ने फारसी अरबी सन्स्कृत और दीगर जबानों के किस्से कहानियों को उर्दू के कालिब में ढालकर सलीस उर्दू के लिए राह हमवार की इससे कबल उर्दू में दकीक और मकफ्फा और मुसज इबारात आरई का चलन था अजीज़ तलबा तलबात मीर अमन का नाम मीर अमान था अमन तखलुस करते थे और दिल्ली के रहने वाले थे अहमद शाह अब्दाली के हमले में सूरजमल जाट ने उनकी आबाई जागीर पर कब्जा कर लिया था दिल्ली की सकूनत तर्क करके पटना चले गए कुछ अरसे क़्याम करने के बाद कलकत्ता गए मीर बहादुर अली हुसैनी के ज़रिए फोर्ट विलियम कॉलेज तक रसाई हासिल हुई यहाँ उन्हें फारसी दास्तान किस्सा चहार दरवेश का ठेठ हिंदुस्तानी में तर्जुमा करने का काम सौंपा गया बकौल मर अम्मन जान गिलक्रिस साहब ने कि हमेशा इकबाल उनका ज़्यादा रहे जब तलक गंगा जमना है लुत्फ से फरमाया कि इस क़स्से को ठेठ हिंदुस्तानी गुफ्तू में जो उर्दू के लोग हिंदू मुसलमान औरत मर्द लड़के बाले ख़ास आम आपस में बोलते चालते हैं तर्जुमा करो मवाफ़िकमूर के मैंने भी उसी मुहावरे में लिखना शुरू किया जैसे कोई बातें करता है जैसा कि जिक्र किया जा चुका है कि चहार दरवेश को तहसीन ने नौ नोतरज़ मरस के नाम से उर्दू के लिब में ढाला था लेकिन उसकी ज़बान इंतहाई मुश्किल और फारसी आमेज थी मुकफ़ा और मसज इबारत आरई के सबब कम अज़ कम अंग्रेज़ अफसरान को इसके ज़रिए उर्दू की तालीम नहीं दी जा सकती थी लिहाजा गिलक्रिस्ट की फरमाइश के पेश नज़र मीरमन ने जब इसे बोलचाल की ज़बान में पेश किया तो उनका यह कदम उर्दू नसर को लफाजी इबारत आरई काफिया और वजन की पाबंदी से निजात दिलाने की जानब पहला कदम साबित हुआ इस किताब में जिस नौ की सादगी सलासत रवानी और दिलकशी पाई जाती है उससे उर्दू के दूसरे नसर नगारों को ज़रूर इस बात का एहसास हो गया कि तसन्नो, पेचिदगी लफाजी और इबारत आरई से ज़्यादा सादगी में हुसन और जाब्बियत है मीर अमन की इस किताब को 1803 में बाग के केनवान से शाया किया गया हकीकत यह है कि बाग बहार से उर्दू में सलीस नसर की बुनियाद पड़ती है मिरम्मन ने इस किताब में अरबी फ़ारसी के अल्फाज का कम से कम इस्तेमाल किया है कसद आम बोलचाल के अल्फाज को दाखिल किया है खूस हिंदी के अल्फाज को तरजीह दी है तलफ़ में अवामी बोलचाल को अपनाया अलावा अजी इसके ज़रिए इस अहद के हिंदुस्तानी माशरत की तस्वीर भी पेश की है नसर की ये वो खूसियात हैं जो फोर्ट विलियम कॉलेज से कबल नापैद थी हैदरब्श हैदरी अगरचे दिल्ली के रहने वाले थे लेकिन उनकी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा बनारस में गुज़रा यहाँ उन्होंने नसर के हवाले से शायद कोई काम नहीं किया अगर किया भी होगा तो इसका पता नहीं चलता अलबत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज में अहल कलम की तलाश हुई तो वो वहाँ पहुँच कर मुलाजिम हो गए और कई किताबों के तर्जुमे किए यूँ तो उन्होंने किस्सा मेहरो माह लैला मजनू हफ्त पैकर तारीख़ नादरी गुलशन हिंद तोता कहानी आरइश महफ़िल और गुल मफ़रत जैसी किताबें लिखी लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा शहरत आखिरी तीन किताबों यानी तोता कहानी आरयश महफ़िल और गिल गुल मफ़रत को मिली तोता कहानी 1801 में लिखी गई ये दरअसल दकनी उर्दू में मोहम्मद कादरी की तहरीर शुदा तूती नामा की आसान और बोलचाल की ज़बान में नकल है यही वजह है कि ये किताब बहुत पसंद की गई और कई बार शाया भी हुई फारबिस ने लंदन से इसका एक ख़ूबसूरत एडिशन शाया किया था आरइश महफ़िल में अरब के मशहूर सखी हातिम ताई के सात ख्याली असफार की कहानी बयान की गई है ये किताब भी एक फारसी किताब पर मबनी है लेकिन हैदरी ने अपनी तरफ से बहुत सी तब्दीलियाँ इसमें कर दी हैं ये भी गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर 1802 में लिखी गई थी मीर शेर अली अफसोस ने गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर फारसी की दो किताबों शेख सादी और तारीख़ तवारीख मुंशी सुबहान राय का उर्दू में तर्जुमा किया शेखसादी की शहरा आफाक किताब गुलस्ता को शेर अली अफसोस ने बाग उर्दू के नाम से मुंतकिल किया ये किताब 1802 में शाया हुई लेकिन इसमें बाज मकाम पर फारसी के मुश्किल अल्फ़ाज़ शामिल हो जाने की बायस इसकी ज़बान बोझल सी हो गई है मुंशी सुबहान राय की किताब तारीख़ हजलास तवारीख़ का तर्जुमा आरइश महफ़िल के नाम से किया दिलचस्प बात यह है कि इसी अनवान के तहत हैदर बख्श हैदरी की भी एक किताब है जिसका ज़िक्र किया जा चुका है मीर बहादुर अली हुसैनी दिल्ली के रहने वाले थे उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज में सबसे पहले उन्हीं का तकर्र हुआ उन्होंने मीर हसन की मशहूर मसनवी सहरुल बयान को नसर में मुंतकिल किया और इसका नाम नसर बेनर रखा गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर उन्होंने संस्कृत की अखलाक कहानियों के फ़ारसी तर्जमे कुलूब को उर्दू के लिब में ढाला ये किताब अखलाक़ हिंदी के नाम से अठारह सौ तीन में शाइा हुई उन्होंने एक किताब तारीख़ आसाम के नाम से भी तरतीब दी जो एक फ़ारसी किताब का तर्जुमा है हुसैनी ने गिलक्रिस्ट के कवायद को मुख्तर करके आसान जबान में तरतीब दिया ये किताब अट्ठारह सौ सोलह में कलकत्ते से शाया हुई मजहर अली ख़ान विला भी दहली के रहने वाले थे संस्कृत फारसी और हिंदी जानते थे चुनाचे वो भी अट्ठारह सौ दो में कलकत्ते पहुँचे और फोर्ट विलियम कॉलेज के लिए उन्होंने माधोनल और कामकुंडला बेताल पचीसी और तारीख़ शेरशाही जैसी मशहूर किताबें तरतीब दी माधोनल और कामकुंडला मोती राम कविशेर की ब्रिज में लिखी हुई किताब का उर्दू तर्जुमा है और बेताल पचीसी भी ब्रिज में लिखी गई किसी किताब का तर्जुमा है इसका तर्जुमा करने में लल्लू लाल जी ने उनकी मदद की थी अलावा अजी तारीख़ शेर शाह सूरी भी फारसी से तर्जु की हुई किताब है मिर्जा काजिम अली जवान भी दिल्ली के रहने वाले थे और गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर कालिदास की लाजवाल तख्लीक अभिज्ञान शकुंतलम जो ज़बान में थी को शकुंतला नाटक के नाम से उर्दू के कालिब में ढाला मिर्जा काजिम अली जवान ऐसे मुसनफ़ थे जो दूसरे मुसन्निफ़ीन की मदद किया करते थे मसलन सिंहासन बतीसी लिखने में उन्होंने लल्लू लाल जी की मदद की थी अलावा अजी कई दूसरे मुसनफिन की ज़बान की असलाह का भी काम वो करते थे निहाल चंद लाहौरी भी दिल्ली के रहने वाले थे ये दीगर बात है कि वो पंजाब में बस जाने के बायस लाहौरी कहलाए 1803 में गिलक्रिस्ट के कहने पर इ्ज़तल्ला बंगाली की फ़ारसी में लिखी गुल बकौली की मशहूर कहानी का उर्दू में तर्जुमा किया निहाल चंद ने उसे आसान और शीरें उर्दू में लिख कर मजहब इश्क़ का नाम दिया इसका पहला एडिशन 1804 में मंजर आम पर आया ये वही कहानी है जिसे पंडित दयाशंकर नसीम ने 1838 में अपनी मशहूर मसनवी गुलजार नसीम में पेश किया दिलचस्प बात यह है कि इस मंजूम तख्लीक के आगे मजहब इश्क़ को लोग भूल गए गुजरात के एक ब्राह्मण लल्लू लाल जी को फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी किताबें लिखने के लिए मुकर किया गया था उन्होंने प्रेम सागर राजनीति और दीगर किताबें हिंदी में लिखी लल्लू लाल जी उर्दू भी जानते थे उन्होंने काजिम अली जवान की मदद से उर्दू में सिंघासन बतीसी लिखी और इसे उर्दू और हिंदी दोनों रसमुलख में शाया किया गया उनकी इन तसनीफ़ा से हिंदी नसर में एक नई रवायत का आगाज होता है यही वजह है कि उन्हें जदीद हिंदी नसर का बानी भी कहा जाता है अजीज़ तलबा और तालबात, मजकूर वाला मुसनफिन और मतरजमीन के अलावा दीगर मुसनफिन और मतरजमीन की एक बड़ी तादाद है जिन्होंने गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर मुख्तल इलमी और अदबी किताबों के तर्जुमे किए खुद गिलक्रिस ने इतहाई उमदा आलमी और अदबी काम किए जिससे उस जमाने में उर्दू उर्दूबान अदब में जदीदियत की राह हमवार हुई इनके जरिए तैयार शुदा मुख्तलिफ लगातार और दीगर किताबों का जिक्र किया जा चुका है जिससे बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी कोशिशों से उर्दू जबानदब को किस नोयीत का फ़ायदा पहुँचा फोर्ट विलियम कॉलेज के क्याम का मकसद अगरचे शहरी इंतजामिया के अफसरान को कोली दर्जे की तरबियत देना था क्योंकि यहाँ हिंदुस्तानी और मशरक़ी ज़बानों के अलावा मुरजू फ़नून की भी तालीम दी जाती थी और बरतानवी हुकूमत की हिंदुस्तान में ये कॉलेज पहली सिविल सर्विस एकेडमी भी थी जिसे नोआबादियामत अमली की बुनियाद पर क़ायम किया गया था लेकिन इसके साथ ही फोर्ट विलियम कॉलेज ने उर्दू में साफ सुथरा आसान सलीस और मानूस कस्म का इसलूब भी पैदा किया जो कॉलेज के मुंशियों की लगातार कोशिशों का नतीजा था सबसे अहम बात ये कि इस कॉलेज के तहत महज तर्जुमे नहीं हुए किताबें तस्नीफ नहीं की गईं बल्कि इन शुदा और तबाजाद किताबों की इशात के लिए एक दारुल इशात भी खोला गया जहाँ से किताबें छप कर महदूद सतह पर ही सही लोगों तक पहुँचती थी यही वजह है कि इसे हिंदुस्तान का पहला छापाखाना या प्रेस भी करार दिया जाता है इलावा जी एक बड़ा कुतुब खाना भी कायम किया गया था दिलचस्प बात यह है कि कॉलेज में बायदा क़स्ा ख़ा मुलाजम हुआ करते थे जिनका काम नौवारद अंग्रेज़ अफसरान को आसान जबान में किस्सा सुनाना था ताकि उनके अंदर उर्दू के तई दिलचस्पी कायम हो ये किस्सा खां लफ्ज़ों की दुरुस्तगी और तलफ़ की तरबियत देने का भी काम करते थे उर्दू के तल्ल से ये सारी खिदमत अगरचे नौवारद अंग्रेज़ों को उर्दू सिखाने के लिए अंजाम दी जा रही थी लेकिन यह भी एक हकीकत है कि ऐसे अहद में जबकि वसाइल की कमी थी और हमारा नसरी सरमाया मुसज्जा और मकफ़ा दकीक अरबी फ़ारसी अबारात आरई से बोझिल और नाकबिल फहम था फोर्ट विलियम कॉलेज के तहत इसके खात्मे का ऐलान हुआ जिसकी मिसाल नर्ज़ मरसा की नसर बन गई थी यही ऐलान आगे चलकर उर्दू जबान अदब के फ़रोग में बेहद माविन व मददगार साबित हुआ अजीज़ तलबा वालबात गिलक्रिस्ट फोर्ट विलियम कॉलेज में अट्ठारह सौ चार तक हिंदुस्तानी जबानों का प्रोफेसर रहा और उसके जाती कोशिशों से इस शोबे ने खूब तरक्की की मख्तल ज़बानों की किताबों के उर्दू तर्जमे तालीफ और अशात के काम हुए किताबों के अशात से ख़ुद उसके इल्मी वक़ार में इजाफ़ा हो रहा था लेकिन कॉलेज के मसले पर कंपनी और वेल्ज़ली के दरमियान तसादुम और कशमकश और ख़ुद कॉलेज कौंसिल के साथ अपने अशातीती मनसूबों में पे दरपे अख्तलाफात नज़ा और कशाकश की सूरत हाल से परेशान होकर तेईस फरवरी 1804 को उसने सेक्रेटरी कॉलेज काउंसिल को अपना इस्तीफ़ा दे दिया गिलक्रिस्ट ने अपने इस्तीफ़ा में ये भी तहरीर किया था कि सिर्फ 1803 में उसने किताबों की एशात में जाती मसारिफ से तेईस हज़ार आठ सौ रुपये से ज़्यादा रकम सर्फ की थी जिसकी फौरी वसूली का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था गिलक्रिस्ट के बाद कप्तान टॉमस रोबिक प्रिंसिपल हुए लेकिन अब हिंदुस्तानी शोबा गैर मुतहरिक हो गया और वो सज धज न रही जो गिलक्रिस्ट के ज़माने में थी उसके रुखसत होते ही कॉलेज की वो शानदार रवायत भी रुखसत हो गई जिसने कॉलेज में उर्दू कुतुब की इशात से नसर के एक नए उसलूब को जन्म दिया था अलावा अजी वेल्जली और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माबैन हिंदुस्तान के तैयार शुदा जहाज के इस्तेमाल को लेकर अख्तलाफात पैदा हो गए थे वेल्जली तजारती मकासद के लिए हिंदुस्तान के बने हुए जहाज़ इस्तेमाल करना चाहता था जबकि डायरेक्टर्स के, के खिलाफ थे और जब वेल्जली ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को फोर्ट विलियम कॉलेज के क्याम की तफसील फ्राहम की तो डायरेक्टर्स को इससे बदला लेने का मौका मिल गया उन्होंने पूरी तरह कॉलेज के मनसूबे की मखालफत करनी शुरू कर दी थी इन दिलशिकन हालात से मजबूर होकर वेल्जली ने चौबीस जून अट्ठारह को फोर्ट विलियम कॉलेज तोड़ने का हुक्मन जारी कर दिया मगर जेर तलीम तलबा की तदरीस खत्म होने तक उसे इकतीस दिसंबर अट्ठारह सौ तीन तक जारी रखने का फैसला किया लंदन में वेल्जले के हम ख्याल लोगों की इस मसले में मुनासिब कार्रवाई से कंपनी पर दबाव पड़ा कॉलेज तोड़ने का फ़ैसला मुलतवी कर दिया गया अलबतः तदरीसी दायरा कार को मख्तसर कर दिया गया था वेल्जली और कंपनी के दरमियान दाखिली तनाज़ा बदस्तूर जारी रहा बिल आखिर कंपनी के साजिशी हरबों और इल्ज़ाम से मजबूर होकर वेल्जली अगस्त 1805 में मुस्तफ़ी होकर लंदन वापस चला गया अजीज़ तलबा तालबा वेल्जली के जाते ही कंपनी के डायरेक्टरों ने अगले साल फोर्ट विलियम कॉलेज के मकाम को कॉलेज की सतह से गिराकर बंगाल के अंग्रेज़ मुलाजमीन के मामूली मदरसे की शक्ल दे दी इसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हुए 24 जनवरी अठारह को लॉर्ड डलहोजी के हुक्म से बंद कर दिया गया लेकिन इस कॉलेज के तहत उर्दू ज़बान अदब को जिस नाव का फ़ायदा पहुँचा उसके ज़रिए उर्दू नसर में जिस नाव की सलीस नगारी की रवायत क़ायम हुई वो यकीन लायक़ तहसीन है अज़ीज़ तलबा तलबात उम्मीद है आज की गुफ्तु से आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा आप इजाजत दें शुक्रिया